हेलो 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 फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैग्नेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लेट्स क्रैक साइंस नंबर 36 सिक्स जहां पर हम लोग साइंस के एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करते हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में रेलवे आधार बैच से जो अभी तक नहीं जुड़ा है वो जुड़िए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन मैथ रीजनिंग साइंस जी आप लोग जाके देखो डेमो भी अवेलेबल है मजा आ जाएगा आप लोगों को ठीक है और स्पेशल अगर आप लोग साइंस को लेना चाहते हो तो साइंस का आप लोग ले सकते हो डिटेल में बात करेंगे दोनों बैचेस की आखिरी में अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताए बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे बोला जा रहा है जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होगा तब क्या मिलेगा यह तो आपको पता ही है जब लेड नाइट्रेट को आप लोग गर्म करते हो तो उससे मिलता क्या है अब आपको बताना है उसकी संख्या कितनी होगी देखिए पहले बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है यहां पर आंसर देना स्टार्ट करिए जल्दी से जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना लिखो यार आप लोग रिएक्शन लिखो हवा में काम मत करो तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है आप लोगों को पता है ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला और आपको मैंने कई बार बताया जब लेड नाइट्रेट को आप लोग गर्म करते हो तो क्या मिलता है सर एक तो लेड ऑक्साइड मिलता है सर साथ में नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस मिलती है और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या ये तीन चीजें मिलती है क्या अरे इस रिएक्शन के बारे में मैंने आपको कितना बताया बहुत बार बताया नहीं बताया ठीक है अब यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है अब आपको बोला जा रहा है जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म करोगे तब आपको क्या मिलेगा आप लोग सोचो लेड ऑक्साइड भी एक मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक मिलेगा ऑक्सीजन भी एक मिलेगा नहीं आप लोगों को क्या करना है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है देखो आप मुझे बताओ राइट में टोटल ऑक्सीजन कितना है कितने है सर दो और दो चार है जबकि लेफ्ट में कितने है? तीन दूनी छह है तो आप लोग देख रहे हो ये बैलेंस ही नहीं है तो कैसे इसको बैलेंस करें बताओ अच्छा दो दो चार और एक पांच ये आप लोगों का टोटल पांच है तो देखो एक काम करते हैं तीन दूनी छह हो गया ऑक्सीजन राइट में कितना है दो दो चार और एक है। अगर मैं इधर दो लगाऊं दो चार छह ऑक्सीजन हो गई बैलेंस कोई दिक्कत नाइट्रोजन इधर है दो राइट में कितना है केवल आप लोगों का केवल कितना है एक ही है तो इधर अगर मैं आप लोगों को दो लगाऊं, ध्यान से आप लोग समझो अगर मैं इधर दो लगा देता हूं तो नाइट्रोजन तो हो गया दो लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए चार ऑक्सीजन की संख्या वापस आप लोगों की बिगड़ गई तो चार और दो और दो टोटल आठ हो गए जबकि यहां पर कितने हैं आप लोगों के छह तो एक काम करिए इसको इ, 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 इसको भी आप लोगों का चेंज करना होगा अगर मैं इधर ऐसे करूं ठीक है और तीन दूनी छह दूनी बारह बारह दो और दो चार बचे चार इधर लगा दो चार दोस्तों क्या अब आप लोगों की रिएक्शन बैलेंस है क्या देख लो क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या आप लोगों के एनसीआर में भी जो दी हुई है हम लोग यहां तक पहुंच गए अब देखो ये एक अणु है सर इसको अणु क्यों बोल रहे हो क्योंकि बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना हुआ है इसमें लेड का एक परमाणु है दो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के छह है तो जब आपने इसका एक दो मॉलिक्यूल गर्म कर रहे हो तब आप लोगों को क्या मिल रहा है ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चार मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो जब इसके दो मॉलिक्यूल को गर्म कर रहे हो तो चार मॉलिक्यूल मिल रहे हैं अगर एक को ही गर्म करते तो क्या मिलता आपको दो मिलता करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आ गई बात समझ में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी सी इसका सही आंसर आ जाएगा क्लियर है क्या चले आगे आ जाओ तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर वन आई होप आप लोग कर चुके होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर टू बताइए क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा में शामिल है आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोग अलग अलग संघ में रखते हैं है, है, ठीक है ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं छिद्र पाए जाते हैं उसको पोरीफेरा संघ में रखते हैं ऐसे एनिमल जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थोपोडा संघ में रखते हैं जैसे स्पाइडर को मकड़ी को उल्टा करके देखोगे ना इसकी टांगे जुड़ी होती है यानी इसको ऑर्थोपोडा संघ में रखेंगे ऑक्टोपस को कौन से संघ में रखते हैं मोलस का संघ में रखते हैं अब बचे यहां पर दो ऑप्शन देखो अर्थ बॉर्म की जब बॉडी देखोगे ना इस पर कैसे सेगमेंट होते हैं खंड होते हैं क्या तो जिसकी बॉडी पे खंड होते हैं उसको संघ संघ में में रखते हैं तो ये भी आपका नहीं ये आपका नहीं होगा ये रखोगे करेक्ट आंसर आ स्टार फिश जिनकी बॉडी पे ऐसे कांटे जैसी संरचना होती है ना उसको उसको हम लोग इकाइनोडर संघ में रखते हैं स्टार फिश पे हाथ लगा के देखना इसके इस कांटे जैसे ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे बताइए आपसे पूछा गया है कॉन्स्टेटन डैश धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है दोस्तों ये एक अलॉय है यह एक मिश्रित धातु है तो आप लोगों को बताना है यह कौन सी दो धातु का मिक्सचर है या कौन सी तीन धातु का मिक्सचर है कौन सी चार धातु का मिक्सचर है तो ये आप लोगों का क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कॉन्स्टेंट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं इस, इस मिश्र धातु को दोस्तों इस मिश्र धातु को हम लोग यूरेका के नाम से भी जानते हैं किस नाम से यूरेका और ये आप लोगों का बनता है कॉपर और निकल से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कितना होता है कॉपर कॉपर होता है पचपन परसेंट निकल होता है आप लोगों का पैतालीस परसेंट ओके करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए एक चीज मुझे बता सकते हो क्या इस वाली मिश्र धातु का यूज कहां पर होता है यूज कहां पर होता है इसका यूज होता है थर्मोकपल ये एक डिवाइस है ध्यान रखिए इस डिवाइस में इस्तेमाल होता है इस मिश्र धातु का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फोर बताइए इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए यहां पर आप लोगों को कुछ कंपाउंड यानी यौगिक दिए गए हैं यहां पर आप लोगों को उनके नाम दिए हुए हैं अब आप लोगों को मैच करना है कौन सा कंपाउंड कौन सा है ये आप लोगों को बताना है बताओ बताइए ठीक है बताइए देखो आपको ये तो पता ही होगा सी सिक्स एच सिक्स सर ये तो बेंच का ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों का तो वन आप लोगों का बी से कनेक्ट हो जाएगा यहां पर आप लोग देखो दो कार्बन है दोनों के बीच में क्या है देखो यहां पर केवल क्या दिख रहा है आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये बेसिकली एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हो गया ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप लोग क्या बोलते हो एल्किन बोलते हो और अगर दो कार्बन वाला एल्किन है तो इसको बोलोगे एथीन तो ये हो जाएगा आप लोगों का एथीन एथीन ऑप्शन में सर एथीन दिखी नहीं रही ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है ऑप्शन में एथीन ही नहीं है एथीन ही नहीं है चलो सर अभी देखते थोड़ी देर रुको यहां पर देखो ये भी हाइड्रोकार्बन है इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन तो दो कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलोगे एथेन तीन वाले को प्रोपेन चार वाले को ब्यूटेन तो ये आपका हो जाएगा एथेन तो फाइव आप लोगों का ए से कनेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसको देखो सी एच थ्री सी एच ओ यह फंक्शनल ग्रुप कौन सा है सर? Aldehyde है। तो जब भी आप लोगों का एल का आई नामकरण करते हो लास्ट में क्या लगाते हो प्रत्यय लगाते हो अल तो यह आपका दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो यह कौन सा हो जाएगा आपका एथेनल तो ऑप्शन में कहीं पर एथेनल दिया हुआ है क्या नहीं सर तो इसका कुछ और नाम भी है कि इसको हम लोग एसिड एल के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसको एसिड एल के नाम से भी जानते हैं तो थ्री आप लोगों का चीज से कनेक्ट हो जाएगा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अब आते हैं हम लोग यहां पर सीएच थ्री सीओ सी एच थ्री देखो ये क्या है आप लोगों का बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा होता है इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा होता है ये कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है कीटोन होता है कौन सा कीटोन होता है तो ये बेसिकली तीन कार्बन वाला एक कीटोन है अरे है या नहीं है तीन कार्बन वाला कीटोन है तो ये जो कीटोन होगा उसका आई नेम आप लोगों को पता है कैसे किया जाता है अरे याद है सब भूल गए ये कीटोन नहीं दिख रहा क्या आपको कितनी बार मैंने बताया था तो ये जो आप लोगों का कीटोन है और इसका जो जनरल नेम होता है ना वो क्या होता है सामान्य नाम आई नाम, इसका होता है एसीटोन तो अब देखो फर्स्ट वाला आप लोग मिलाओ बी से अरे यार इतना करने की जरूरत ही नहीं थी देखो ये सब मिला रहा खुद सेकंड वाला आप लोगों को मिलाना है डी से डी से देखिए दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझो ये जो मैंने आपको बताया ना इसका आयू नेम है एथेन अब ऑप्शन में एथेन तो नहीं है एथेन जो है आप लोगों का आईओ नेम है इसका जो जनरल नेम होता है सामान्य नाम वो होता है एथिलीन तो टू आप लोगों का डी से आप लोगों का मिल जाएगा थ्री आप लोगों का सी से मिल गया क्या ठीक है फोर्थ आप लोगों का ई से मिल गया क्या बिल्कुल और फाइव आप लोगों का ए से मिल गया क्या बिल्कुल सर मिल गया तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पे बताइए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया है गलत मत करिए बताओ बताओ तनमे रोई जी जो आप बोल रहे हो ना प्रोपेन ओइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीसी नेम होता है ठीक है लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाते हैं बताओ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए निम्नलिखित में से किसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में जाना जाता है चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए बताओ किसे बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड देखो ध्यान

सॉरी टू सेवेंटी थ्री इसमें माइनस कर दो तो दस में से तीन गया सात आप लोगों का बचा आठ में से सात गया एक बचा आप लोगों का ठीक है सेवनटीन डिग्री सेल्सियस यानी इतने टेम्परेचर पे क्या होगा ये मेल्ट होगा इससे कम टेम्परेचर पे क्या होगा ठोस अवस्था में होगा तो दोस्तों सर्दियों में तो वैसे टेम्परेचर कम होता है उस समय ये जम जाएगा ठोस अवस्था में आ जाएगा इसीलिए हम लोग इसका एक नया नाम निकाला है क्या ग्लेशियल एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्योंकि ये ठंडी जलवायु में आप लोगों का जम जाता है तो किसको बोल रहे हैं इसी का दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्स बताओ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मैरिस्टमेटिक टिश्यू में किसकी कमी होती है तो मैरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है सर प्लांट में पाए जाने वाले एक टिश्यू है पादप में पाए जाने वाले उत्तक है प्लांट में जो टिश्यू होते हैं दो प्रकार के होते हैं ना मैरिस्टमेटिक टिश्यू यानी उत्तक और एक होता है परमानेंट टिश्यू यानी स्थाई स्थाई उत्तक मैरिस्टमेटिक टिश्यू किसको बोलते हो टिश्यू का मतलब कोशिकाओं का समूह तो सर बेसिकली मैरिस्टमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं है सेल उनमें सेल डिवीजन हो सकता है कोशिका विभाजन हो सकता है जबकि इस टिश्यू की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं हो सकता पहली बात तो ये दोस्तों ये जो कोशिका है बहुत ज्यादा एक्टिव है बार बार डिवाइड होती है इनमें डिवीज़न बहुत ज्यादा होता है सेल डिवीज़न होता है कोशिका विभाजन होता है तो बेसिकली इनमें वेस्ट जो भाई देखो प्लांट की सेल में जो खाली स्पेस होता है ना वैक्यूल रिक्ति का उसका काम क्या है आपका फूड का स्टोरेज करना तो यार इनको फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुरंत ये काम करते रहते हैं तुरंत काम करते रहते हैं जैसे मैं आपको कई बार एग्जाम्पल देता हूँ भाई आपको कहीं पर जाना है है ना आपने के घर में कुछ खाना है तो है ना तो आप लोग उसको स्टोर नहीं करोगे आप शाम तक उसको खत्म करने की कोशिश करोगे क्योंकि शाम को आपको निकलना है फिर खराब हो जाएगा ठीक है तो ये भी बहुत एक्टिव होती है इनको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती तुरंत बनाते काम करते रहता है तो इनमें वैक्यूल नहीं होती है रिक्तिका नहीं होती है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देखो आप लोगों का क्लास नाइन का जो टिश्यू वाला चैप्टर उसमें साफ लिखा हुआ है दे लैक वैक्यूल दे लैक वैक्यूल इनमें वैक्यूल की कमी होती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन आपके स्क्रीन पे बताएंगे बताइए यहां पर आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब दोगे एक तो इस वाले क्वेश्चन का क्या दिया जा रहा है डैश इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इनमें से कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो कि सल्फर युक्त है बताइए बताइए देखो आपको यह तो पता ही है जो प्रोटीन होता है ना प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से मिलके बना होता है जब इसका प्रोटीन जो आप लोग खा रहे हो जब इसका डाइजेशन हो जाएगा इससे आपको क्या मिलेंगे अमीनो एसिड मिलेंगे अमीनो अम्ल मिलेंगे टोटल कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन ट्वेंटी अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है अब देखिए कुछ अमीनो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जैसे आप ये चार ऑप्शन में देख रहे हो ना ये चारों के चारे क्या है अमीनो एसिड दोस्तों इनमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर मिले, मिलेगा आप लोगों को क्या मिलेगा सल्फर मिलेगा तो कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें आपको सल्फर मिलेगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्सटीन मैं आपको बताता हूं सल्फर जो होता है वो कौन कौन से अमीनो एसिड में पाया जाता है चार है एक तो मेथिनोइन एक आप लोगों का सिस्टीन एक आप लोगों का होमोसेस्टिन और एक आप लोगों का हो जाएगा टोरिन तो ये चार अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को सल्फर मिलेगा आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या ट्रिप्टोफेन जब आप लोग खाते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में बताओ जैसे आपने प्रोटीन खाया प्रोटीन जब खाया उसका डाइजेशन हुआ आपको बहुत सारे अमीनो एसिड मिले उसमें से ये जो ये वाला अमीनो एसिड है ये आपकी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाएगा कौन बताएगा देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा यार बताइए अब ये बताया मैंने कई बार बताया जल्दी से बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार एक भी लड़का आंसर नहीं दे पा रहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टो, ट्रिप्टो, ट्रिप्टो किससे हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं क्या बोल रहे हो पेप्टोन नहीं पता सब बेकार है पढ़ाएगा अभी एक वीडियो डाला था मैंने आप लोगों से है विटामिन का पता नहीं कोई लार बोल रहा है कोई पेप्टोन बोल रहा है कोई पेप्टिड बोल रहा है एक लड़का है जिसने सही आंसर दिया सुमंता जी विटामिन बी थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन बी थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा बाकी सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं कोई बोल रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम बन जाएगा इससे पता नहीं कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या क्या बोल बोल रहा रहा है है भैया ऐसे नहीं होने वाला आप देख लो इतनी क्लास में केवल दो लोगों ने सही आंसर दिया है फिर बोलते हो सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा मैं पढ़ता बहुत हूँ कहां पढ़ते हो आप है ये देखो एक लड़का विपिन सिंह जी हर क्लास में आता है हर क्लास में आता है ये फिर भी याद नहीं है एक विटामिन की मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर एट बताइए आपकी स्क्रीन पे तो यार ऐसे आप लोग बोलोगे तो कैसे काम चलेगा हैं चलेगा क्या तो रिवाइज करते हुए चलो यार बताओ प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत है आपको पता है पता आपको पता ही है कोई भी जीव हो उसमें आपको कोशिका मिलेगी ही मिलेगी कोशिका दो टाइप की होती है एक होता है आपका प्रोकेरोटिक सेल एक होती है आपकी यू सेल ये वाली सेल आपकी कम डेवलप होती है ये आप लोगों की अच्छी डेवलप होती है जितने भी आपके डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उन सभी में आपको यूकेरोटिक सेल मिलेगी प्रोकेरोटिक सेल कम डेवलप में मिलेगी आपको जो ज्यादा विकसित जीव नहीं है जैसे बैक्टीरिया जीवाणु बैक्टीरिया में आपको यही वाली कोशिका मिलेगी अब इसमें ठीक इसमें है।, है? है? है देखो मेरी बात को ध्यान से समझो आपको एक चीज तो मैं बता दू प्रोकेरुटिक सेल का साइज थोड़ा कम होता है यूकैरियोटिक सेल का साइज ज्यादा होता है तो आप लोगों को क्या बताना है गलत विकल्प का चयन करिए क्या प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है क्या क्या बहुत छोटा होता है क्ये? सर ये तो बिल्कुल सही बात है चलिए आ जाओ आपको ये भी पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दो झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है एक आप लोगों का गोल्जी बॉडी जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है एक हमने बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है ये नहीं पाए जाते हैं जबकि इसमें पाए जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं क्या इसमें कोशिकांगों की मौजूदगी नहीं होती है तो ये बोल रहा है मौजूदगी होती है तो ये बात आपको गलत बोली गई है ध्यान से आप लोग समझो और जैसे प्रोक्रिटिक सेल में ये कुछ भी नहीं पाया जाता क्या पाया जाता है राइबोजोम पाया जाता है तो क्या राइबोजोम में कोई झिल्ली होती है मैंने आपको बताया था इसके चारों कोई भी झिल्ली नहीं होती है कोई भी झिल्ली नहीं होती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें राइबोजोम पाया तो जा रहा है लेकिन मतलब एक कोशिकांग मिल तो रहा है लेकिन जिल्ली वाले कोशिकांग नहीं मिल रहे बिना कोशिकांग वाले जिल्ली मिल रहा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको पता है सेल कोशिका के अंदर मतलब यू के अंदर न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है इसमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपके धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम तो बेसिकली इसमें जो क्रोमोजोम कहां पर रहेंगे न्यूक्लियस में नहीं रहेंगे ऐसे ही आप लोगों के बिखरे बिखरे रहेंगे ऐसे यहां पर ऐसे रहेंगे क्लियर है क्या अब इसमें हमारे जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है जैसे यूकेरेटिक सेल प्लांट में भी मिलती है एनिमल में भी मिलती है हमारी बॉडी जो है उसमें भी यूकेरिटिक सेल जैसे हमारे पाए जाते हैं टोटल तेईस पेयर छियालीस क्रोमोसोम जबकि यहां पर केवल एक क्रोमोसोम ही आप लोगों को मिलेगा है ना प्रोकेटिक सेल जिनमें भी पाई जाती है किसमें पाई जाती है बैक्टीरिया में सभी में आपको केवल एक क्रोमोसोम मिलेगा तो यह बात आपको सही बताई गई है ठीक है चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नाइन अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग देखिए बताइए बताइए और सेशन को लाइक करते हुए चलो यार बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मेटलिक ऑक्साइड है जो कि पानी में घुल जाएगा ये लेड ऑक्साइड मिल घुल जाएगा या कॉपर ऑक्साइड मिल घुल जाएगा या आयरन ऑक्साइड घुल जाएगा या सोडियम ऑक्साइड घुल जाएगा देखो मैंने आपको क्या बताया था कई बार मैंने आपको बताया है, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में देखो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोलिबल इन वाटर जितने भी आप लोगों के मैक्सिमम जो आपके धात्विक ऑक्साइड होता है ना वो पानी में इनसोलिबल होते हैं बट समीज डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म अलकलीज बट इनमें कुछ पानी में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं अलकली बनाते हैं अलकली किसको बोलते हैं बेस को ही बोलते हैं शार को ही बोलते हैं ऐसे शार जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको अलकली बोलते हैं तो कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड है जो कि घुल जाते हैं एक तो ये सोडियम का ऑक्साइड घुल जाता है एक ये पोटेशियम का ऑक्साइड घुल जाता है क्लियर है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर टेन दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को पेड़ बैच में जो अपना टिश्यू वाला चैप्टर चल रहा है ना उसमें भी मैंने आपको दो दिन पहले पढ़ाया था देखते हैं याद है या नहीं है बताओ जो एरियोलर टिश्यू होता है वो डैश के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है मतलब एक भरने का काम करता है बताओ बताओ तो बेसिकली एरियोलर जो टीशू है वो कहां पर मिलता है आपको पता ही है हमारी बॉडी में जो टीशू उत्तक पाए जाते हैं वो टोटल चार प्रकार के होते हैं एक होता है आपका एपिथिलियल टिश्यू उपकला उत्तक एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक एक होता है आप लोगों का मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक एक होता है आपका नर्वस टीशू या न्यूरल टिश्यू भी आप लोग इसको बोल सकते हो तंत्रिका उत्तक दोस्तों क्या आपको पता है क्या ब्लड जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है बोन जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है वैसे मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर संयोजी उत्तर अब देखो क्या लिखा हुआ है आप लोगों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एनसीआरटी में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है ये रही हमारी हड्डी बोन है बोन के ऊपर होती है मसल मसल के ऊपर है हमारी स्किन जैसे मान लो ये स्किन तो स्किन और मसल के बीच वाला जो गैप है वहां पर आप लोगों को मिलेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां पर स्किन और मसल के बीच में बताओ 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 तो करेक्ट तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर इलेवन बताइए बताइए बढ़िया क्वेश्चन है बताओ यहां पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है ये डायग्राम किसका है आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है एनसीआरटी में दिया हुआ डायग्राम आपको पता है किस किसका ये देखो जैसे आपको पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन और एक होता है एक्सुअल एसेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सर जहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है जैसे एक फादर जैसे ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो दोस्तों इनका जो बच्चा होगा उसमें कुछ वेरिएशन मिलेंगे क्या बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि सर मतलब एक्जेक्टली पापा जैसे नहीं होगा ना ही एक्जेटली exactly मम्मी जैसा होगा समझ में आ गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं हमको लगता है जो एसेक् रिप्रोडक्शन होगा ना उसमें वेरिएशन नहीं होते जैसे बैक्टीरियाक् रिप्रोडक्शन के, के बच्चे होता है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है। इससे दो बैक्टीरिया बने इसके दो बच्चे बने देखो थोड़ा चेंज है ना इसमें देखो रेड कलर का है इसमें ग्रीन कलर का पट्टी है इससे जो दो बच्चे बने इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशन आते ही आते हैं तो आपसे बोला जा रहा है इसका कारण क्या है देखो मेरी बात को ध्यान से समझो जो सेल होती है ना कोशिका कोशिका के अंदर आपको डीएनए मिलता ही मिलता है अब मान लो बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में तो केवल एक ही कोशिका मिलती है तो अगर इसके बच्चे बन रहे यानी नई कोशिका बन रही है तो जो ये डीएनए है डीएनए की कॉपी हो रही होगी फोटोकॉपी हो रही होगी क्योंकि इधर भी भेजना है इधर भी भेजना है तो दोस्तों डीएनए कॉपी में कई बार क्या होती है त्रुटि आती है कुछ एरर आती है जिसकी वजह से आप लोगों को जो इसके बच्चे हैं उसमें थोड़ा क्लियर है? है क्या चले आगे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बताइए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका बताइए बताइए कोशिका में लिपिड अणुओं का संश्लेषण किसके द्वारा होता है बताइए देखो देखिए आपको पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन भी बनते हैं कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं फैट भी बनते हैं तो सर फैट बनता किसका है सर हमारी पूरी बॉडी बहुत सारी सेल्स से यानी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी है कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना बहुत सारी कोशिकांग तो एक कोशिकांग है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत प्रद्यवी जाले दोस्तों ये दो टाइप का होता है एक तो होता है स्मूद चिकना एक होता है आप लोगों का रफ तो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा तो क्या बनता है प्रोटीन बनता है क्यों क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोजोम पाया जाता है राइबोजोम करते हैं प्रोटीन के निर्माण का कार्य है और इस राइबोजोम इसके सरफेस पे मिल रहा है तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं प्रोटीन का निर्माण यहां पर हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा क्या होता है लिपिड यानी फैट का आप लोगों का निर्माण होता है देखो द एस ई आर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड ये एनसीआरटी में कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है तो हर एक चीज अपन एनसीआर ओरिएंटेड करते हैं क्योंकि पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोग देखोगे एनसीआर से उठता हुआ आता है अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ आज शाम को एक चार बजे इवेंट ले लू क्या यार अच्छा है दिलाया आज शाम को चार बजे एक इवेंट ले लू क्या एक क्लास ले लू क्या सर क्लास क्या लोगे सर क्लास आप वो लो कि है ना एक बार जैसे बच्चे को कई बार डाउट होता है कि सर साइंस कैसे पढ़े कि एनसीईआरटी फॉलो करे या नहीं करे क्या करे है ना तो मैं आपको बता रहा हूं कि एटलीस्ट ये करते हैं सेशन एनसीईआरटी से कितना परसेंट आता है सर पांच परसेंट आता है दस परसेंट आता है पच्चीस परसेंट आता है पैतालीस आता है अड़तालीस आता है सौ परसेंट आता है जो भी बताना सर प्रूफ के साथ बताना तो शाम को चार बजे हम लोग यही करने वाले हैं एनसीईआरटी से कितना परसेंट आता है लाइफ प्रूफ प्रूफ करके बताऊंगा देखो बिना प्रूफ की कुछ बात ही नहीं होती जैसे मैं अभी मान लो ये कोई क्वेश्चन करा दू ये वाला है ना मैं बोल दू ये मैं आपको बोल दिया कि देखो एनसीआरटी में दिया हुआ वा ये वाला डायग्राम आपको ये वाला मान लो मैं बता दू लो देख लो पढ़ लो समझ में आ गया बहुत मजा आएगा शाम को चार बजे और आप लोगों को एक एक चीज करके दिखाएंगे मजा आएगा आप लोगों को पता पड़ जाएगा दस परसेंट आता है पांच परसेंट चार परसेंट 16 परसेंट पता बढ़ जाएगा आपको ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से देखिए आंसर बताइए इस बार ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है अच्छे अच्छे लोग हिल गए थे इसलिए हिलते हैं वो पढ़ के नहीं जाते उनको तो बस वो ही वाले क्वेश्चन करने हैं जो बहुत सिंपल सिंपल हो दोस्तों हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एक टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई क्रॉस एकल संकरण द्वि संकरण कभी आपने सुना है क्या आइए भी करते हैं देखो मेंडल के संकरण में यानी हाइब्रिडाइजेशन में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ में संकरण कराया एफ्टोपीडी में जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा यह क्या था देखो मेरी बात को ध्यान से समझो जैसे दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज समझिए जैसे मान लीजिए ये फादर है ये मदर है फादर की आंख का रंग क्या है मान लीजिए ब्लैक है और मदर की आंखों का रंग मान लीजिए ब्राउन है तो जो बच्चे के आंखों का रंग होगा वो क्या होगा क्या इंटरेस्टेड हो क्या जानने में कि ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या ब्लू होगा बताओ या मैं आपको बोलू फादर के बाल जो या मैं बोलू फादर की हाइट अच्छी थी लंबे थे फादर मदर की हाइट कम थी है ना आप बोल सकते हो बॉनी मतलब बहुत ही कम हाइट थी उनकी ठीक है ड्वार्फ थी वो ठीक है तो जो बच्चा होगा वो लंबा होगा या बोना होगा या एवरेज हाइट का होगा क्या ये चीज जानने में इंटरेस्ट हो क्या तो ये चीज जानने में साहब भी इंटरेस्टेड थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कैरेक्टर्स आते हैं तो उन्होंने इसके लिए किसको चुना मटर के पौधे को चुना क्योंकि मटर के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं कुछ होते हैं बोने होते हैं कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूलों का रंग बैंगनी होता, होता है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फूलों का रंग सफेद होता है, है। कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज की आकृति गोल होती है कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीज की आकृति रिंकल होती है तो मजा आएगा ना करने में तो इन्होंने क्या लिया एक प्योर टॉल प्लांट लिया देखो इसको कैपिटल टी कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और बोने पौधे को प्योर बोने पौधे को स्मॉल टी स्मॉल टी से डिनोट करेंगे देखो दोस्तों यहां पर कैपिटल टी का मतलब क्या है डोमिनेंट है यह डोमिनेंट रेट है प्रभावी लक्षण है सर मुझे नहीं आया समझ में अभी समझाएंगे टेंशन मत लीजिए और स्मॉल टी का मतलब है यह रिसेसिव है यानी अप्रभावी है सर मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा समझ में आइए मैं आपको बताता हूं जैसे मान लो एक मटर का पौधा है जो कि काफी लंबा है एक मटर का पौधा है जो कि बौना है इन दोनों मटर के पौधे से एक जो नया मटर का पौधा बनेगा वो लंबा होगा या बौना होगा तो दोस्तों लंबे और बोने में टॉलनेस और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है टॉलनेस ये वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है यानी अगर जब भी इन दोनों का क्रॉस कराओगे हमेशा पौधा क्या मिलेगा आपको लंबा मिलेगा अब ध्यान से समझो आप ठीक है तो अब यह आपका एक प्योर टॉल प्लांट है और एक ये प्लांट है दोनों का क्रॉस करवा रो करवा करवाओ तो कैपिटल तो टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी समझ में आ गई बात को ये तो है पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या मिल रहा है देखो ये जो मिल रहा है ना आपको इसको बोलता है जीनो टाइप यह बेसिकली कोड है तो कौन से कोड मिल रहे हैं सर एक ही टाइप के कोड मिल रहे हैं आपको पहली पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में क्या होगा कोई दो उठाओ यहां से एक ही उठा लिया एक ही उठा लिये क्रॉस करवाओ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी तो क्या क्या मिल रहा है सर एक तो कैपिटल टी कैपिटल टी मिल रहा है एक कैपिटल टी स्मॉल मिल रहा है कि small t, small t मिल रहा है इसके अलावा और और कुछ मिल रहा है क्या अरे इसके अलावा आपको और कुछ मिल रहा है क्या बताओ और कुछ मिल रहा है क्या मेरे को तो यही मिल रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी ये आपका एक बार मिल रहा है ये आपका दो बार मिल रहा है ये ये मिल रहा है भैया दोस्तों वन रेशो टू रेशो वन आना चाहिए क्योंकि आप लोगों से जीनो टाइपिक रेशियो पूछा है ना कि फिनोटाइपिक अगर आप लोगों से पूछता फिनोटाइपिक रेशियो क्या है फीनोटाइपिक फिनोटाइप का मतलब वो करैक्टर जो आप लोग देख पाते हो देखो ये कैपिटल टी कैपिटल टी ये एक टॉल प्लांट है दोस्तों ये एक बोना प्लांट है अब इसमें ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बोने को डोमिनेंट कौन है ये है तो अल्टीमेटली ये टॉल प्लांट होगा तो बेसिकली टॉल प्लांट और बोने प्लांट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है आप लोगों का टोटल बेसिकली चार प्लांट मिल रहे हैं ना ये टॉल है ये टॉल है ये टॉल है और ये बोना है तीन अनुपात एक होता अगर फीनो टाइपिक रेशियो पूछ रहा है दोस्तों यार यहां तो जो रेशियो पूछ रहा है वो जीनो टाइपिक रेशियो पूछ रहा है और जो जीनो टाइपिक रेशो है ना वो वन रेशो टू रेशो वन है मुझे नहीं पता यार ये कैसे किया है ना या तो ऑप्शन में गलत है भाई हंड्रेड परसेंट वन रेशो टू रेशो वन होगा यार हंड्रेड परसेंट वन रेशो टू रेशो वन होगा या तो इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ कर दिया है? है ना वन रेशो टू रेशो वन होगा अगर आप लोगों से फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है देखो जीनो टाइपिक पूछ रहा है जीनो टाइप बोलते हैं कोड को ये जो कौन कौन से कोड मिल रहे हैं आपको सर एक तो कैपिटल टी कैपिटल टी मिल रहा है एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है कि स्मॉल स्मॉल टी टी मिल मिल रहा रहा है है ये एक बार ये मिल रहा है दो बार ये मिल है, एक बार यह रेशो होगा वन रेशो टू रेशो वन आ रही है बात समझ में तो वन रेशो टू रेशो वन होगा हंड्रेड परसेंट चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके स्क्रीन पे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन बताओ बताओ मैमल्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है क्या मैमल्स के जनरली बाल होते हैं क्या हम भी तो एक मैमल है क्या हमारे बाल होते हैं क्या गाय भी तो मैमल उसके भी बाल होते हैं क्या भैंस के भी होते हैं क्या बिल्कुल होते हैं यार शेर भी तो मेमल है बिल्कुल होते हैं डॉग भी एक तो मेमल है बिल्कुल हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है दे हैव मेमरी ग्लैंड टू फीड मिल्क टू बेबीज दोस्तों आपको पता है जैसे आपने देखा होगा गाय जो होती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको दूध पिला पाती है ना वो पिला पाती है ना या कोई भी मदर ह्यूम की बात करूं जब वो बच्चे को जन्म देती है माता के अपने बच्चे को दूध पिला सकती है क्या क्यों पिला सकती है क्योंकि दोस्तों क्या होता है उनके बॉडी में होती है मेमरी ग्लैंड ये मेमरी ग्लैंड किसको बोल रहे हैं उन ग्लैंड जिनसे दूध निकल रहा है है ना तो बेसिकली मैमल्स के पास में होता है चाहे वो शेरनी हो चाहे वो आप लोगों का डॉग है ना आप लोगों की डॉग हो दूध पिला सकती है ना अपने बच्चों को ठीक है थ्री इन नहीं दोस्तों जितने भी मैमल्स होते हैं ना ना उनके में आपको टोटल चार चैम्बर को मिलेंगे ये बात आपको गलत दी गई है जो ये मैमल्स होते हैं ना वो अंडे नहीं देते ऐसे नहीं जैसे पक्षियों के जैसे अंडे देंगे फिर उससे बच्चा बाहर निकलेगा नहीं ये सीधे आप लोगों के बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन कुछ मैमल ऐसे हैं जो कि अंडा देते हैं कौन कौन से है वो दो मैमल है एक तो है प्लेटिपस और एक, एक ये दो मैमल ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं ठीक है तो ये सारे स्टेटमेंट सही है सी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पंद्रह बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ध्यान से आप लोग देखिएगा बताओ ध्यान से देखो 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 ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो दोस्तों आप लोगों को चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है फिश में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना उस आधार पे बताइए कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है बताओ बताओ ध्यान से देखो ध्यान से देखो बताओ बताऊं बताऊं देखो देखो पहले हमारे बॉडी से कंपेयर करो तभी समझ पाओगे हमारी बॉडी में लंग्स क्या करता है सर लंग्स के पास में जो ब्लड जाता है ना उसमें ऑक्सीजन नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड होती है लंग्स क्या करता है इस ब्लड में ऑक्सीजन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है इस ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम करता है लंग्स करता है फिर यहां से जो आप लोगों का ब्लड जाएगा वो कहां पर जाएगा आपके हार्ट में जाएगा ऊपर वाले कहलाते हैं ऑरिकल आलिंद नीचे वाले वेंटिकलेनिंग नीला ये लेफ्ट ऑरिकल ये राइट ऑरिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये राइट right वेंट्रिकल फिर यहां से ब्लड जाएगा इधर फिर जाएगा इधर फिर यहां से आपके और में जाएगा, फिर अलग अलग अंगों में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी फिर ये में. ऐसे आप लोगों का ब्लड जाता है में. हमारे मतलब डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए हर्ट में रक्त दो बार जा रहा है तो पहले आया फिर वापस आया दो बार आ रहा है ना तो डबल सर्कुलेशन होता है फिश की बात करते हैं देखो ये रही हमारी प्यारी से मछली अब इनके पास में लंग्स तो होते नहीं है क्या होते हैं दोस्तों गलफड़े होते हैं तो ये मान लो मछली का गलफड़ा है इसमें ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया गलफड़ों ने क्या करा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली इसमें ऑक्सीजन डाली देखो ये लाल वाला ब्लड आ गया ना अब ये लाल वाला ब्लड गया बॉडी के अलग अलग पार्ट में अब फिर वहां से ये जब ब्लड निकला ना तो उसमें ऑक्सीजन कम हो गई अब ये वाला जो आपका नीला वाला ब्लड आ रहा है वो कहां पर आ रहा है मछली के हर्ट में आ रहा है फिर हर्ट से वापस किस में जा रहा है गिल्स में यानी पहली बात तो सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है दूसरी बात ध्यान रखिएगा इसके ये मछली में मैंने आपको बताया था ना कितने चैंबर होते हैं दो चैंबर होते हैं जैसे हमारे चार चैंबर होते हैं ना दो ओरिकल दो वेंटिकल इसमें केवल दो चैंबर होते हैं तो देखो मछली में क्या होता है दो चैंबर होते हैं हर्ट में तो ये पीछे वाला जो पार्ट है आप लोगों का देखो आप देख पा रहे हो क्या आप देख पा रहे हो क्या नहीं देख पा रहे हो क्या कोई बात नहीं देखो यहां से आप लोग देखो ये जो ब्लड जा रहा है वो आपके हर्ट में जा रहा है हर्ट से आप लोगों का गिल्स में जा रहा है अब देखो क्वेश्चन पढ़ता है ठीक है गल फड़ो से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है क्या क्या, क्या गिल्स से रक्त जो हो रहा है बॉडी के पार्ट में आ रहा है क्या बिल्कुल हर्ट तो जो ब्लड है वो केवल और केवल गिल्स के पास में भेज रहा है हमारी बॉडी में क्या हो रहा है हार्ट जो ब्लड है वो बाकी सभी पार्टों में भेज रहा है तो गलफड़ों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है बिल्कुल गलत बात है ये गलत कथन पहचानो यार ये तो गलत लग रहा है मेरे को नहीं अरे सही तो है सही तो है बोला जा रहा है गलफड़ों से रक्त शरीर के बाकी हिस्से में भेजा जाता है बिल्कुल गलफड़ों से तो जा रहा है हाँ सही बात है सही बात है सही बात है ऑप्शन नंबर बी डबल सर्कुलेशन नहीं दोस्तों सिंगल सर्कुलेशन है देखो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है केवल मतलब एक बार पूरा आप लोगों का घुमा उसमें सब जगह चल गया जबकि यहां पर जबकि यहां पर हमारे बॉडी में हर्ट से दो बार गुजरना पड़ रहा है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए जबकि यहां से केवल एक बार गुजर रहा है तो ये आप लोगों का गलत है ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर्स दी एट्रियम बिल्कुल देखो देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझो ये पीछे वाला ना देखो ये पीछे वाला है एट्रियम एट्रीम ये आगे वाला है वेंट्रिकल नीले तो वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड होता है वो कहां पर जा रहा है गिल्स में जा रहा है तो वेंट्रिकल से नील से रक्त केवल गलफड़ों में जाता है बिल्कुल सही बात है और आप लोगों को यह भी पता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो किस में आ रहा है ऑरिकल में आ रहा है ठीक है तो ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर दिए एट्रियम तो सारे सही है ये गलत है ऑप्शन नंबर सी सही बात है चले आगे आ जाओ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सोलह बताइए बताइए और ये वाला क्वेश्चन गलत मत करना बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ठीक है एनसीआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन इतना गजब क्वेश्चन है मजा आ जाएगा आप लोगों को ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं वॉलेंट्री मशल आप लोग किसे बोलते हैं सर मैं तो मैं तो नहीं जानता अरे आओ देखो देखो दोस्तों मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना मस्कुलर टिश्यू पेशे उत्तक वो तीन प्रकार के होते हैं एक होता है आप लोगों का स्केलेटल मसल कंकाल पेशी दोस्तों ये वाली जो मसल्स होती है ये वाली जो मांसपेशियां होती है या फिर ये वाले जो उत्तक होते हैं इनमें क्या विशेषता है ये वाले हड्डियों से जुड़े होते हैं इसलिए इनको स्केलेटल मसल बोलते हैं अब मैं बोलूं आपका हाथ उठाओ अपनी अच्छा से उठा सकते हो मैं बोलूं हाथ नीचे करो कर सकते हो क्या यानी ये वाली जो हड्डियों के ऊपर जो मसल्स है मूवमेंट हो सकता है तो यह क्या होती है वॉलेंट्री मसल्स होती है तो आप लोगों से वॉलेंट्री मसल्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका स्केलेटल मसल से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है तो इस मसल को क्या स्केलेटल मसल भी बोलते हैं क्या ये बात बिल्कुल सही है दीज आर मोस्टली अटैच टू बोन बिल्कुल सही बात है लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स आर विजिबल एंड डीज मसल सिक्वेंशियली बिल्कुल दोस्तों जो ये मसल्स होती है ना मास्पेशिया पहली बात तो मैं बता ऐसे सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इनमें क्या क्या होती है पट्टिया होती है पट्टिया क्या होती है इनमें पट्टिया होती है जैसे एक डार्क फिर एक हल्की फिर डार्क हल्की डार्क हल्की डार्क हल्की डार्क हल्की ऐसे ऐसे होती है स्ट्रिप्स होती है देखो क्या लिखा हुआ है अंडर द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग देखोगे ना क्या बोला गया है दीज मसल्स शो ऑल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना मसल्स के अंदर एक डार्क और एक फिर हल्की पट्टी नजर आएगी समझ में आ रहा है क्या इसीलिए इन मसल्स को हम लोग धारीदार मांसपेशिया भी बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं क्लियर है क्या तो ये बिल्कुल सही बात है ठीक है सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच एंड यूनि न्यूक्लिएट दोस्तों देखो यार देखो जो सेल्स होती है ना इसकी जो कोशिका होती है मैंने बताया था उसकी शेप कैसी होती भाई टिश्यू है तो बहुत सारी कोशिकाओ से मिलकर होगा तो इसकी कोशिका है ना वो कैसी होती है लॉन्ग होती है देख रहे हो नहीं दिख रहा चलो कोई बात नहीं दिखाते हैं लॉन्ग होती है सिलेंड्रिकल होती है अनब्रांच होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है यानी इसकी कोशिका में एक नहीं एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है ये बोल रहा है यूनि होता है ये बात गलत है देखो क्या शानदार क्वेश्चन है बताओ ऐसे थोड़ी मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं दोस्तों पढ़ो जुड़ो रिवाइज करो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था और शायद यार एग्जाम में मैं बैठता ना मैं भी गलती कर जाता क्यों लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांचर पूरे फ्लो में चलता हाँ यार सारी देखो लास्ट वाले में चेंज किया है क्या बढ़िया क्वेश्चन था यार अच्छा क्वेश्चन था ही नहीं था तो क्वेश्चन नंबर सोलह आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सत्रह पे बताओ बताओ बताओ, बताओ। बताओ वायु गुआ से युक्त पेरेनकाइमा को आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों आपको पता है पेरेनकाइमा प्लांट में पाए जाने वाले एक टिश्यू है जिसका कार्य क्या है पीसे याद रखो पैकेजिंग पैकेजिंग करना फूड का स्टोरेज करना इसका कार्य है दोस्तों कुछ कुछ पेरेनकाइमा ऐसे भी होते हैं उनके बीच में एयर कैविटी पाई जाती है देखो ठीक है इन एक्वेटिक प्लांट आपने जलीय पौधे दे देखे होंगे जो जल में तैरते हैं लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेनकाइमे टिश्यू में बहुत सारी एयर कैविटी होती है और ऐसे जिनमें ऐसे एयर कैविटी देखने को मिलेंगे उसको आप लोग काइमा के नाम से जानते हो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बताओ आई बात समझ में क्लियर कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है चलो तो क्वेश्चन नंबर एटीन बताओ क्वेश्चन नंबर एटीन बताइए क्या होगा आंसर बताइए कुछ लोग ज्योति जी बोल रहे हैं सर पेड़ इसी पेरेन कायमा की वजह से हिलते हैं अरे जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है कोलिन कायमा की वजह से होती है भूल गए आप सब बताओ इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है ध्यान से देखो एसो फोर के साथ में मैग्नीशियम जो कि मेटल है यहां पर भी एसो फोर के साथ में साथ में मेटल यहां पर भी मेटल यहां पर भी मेटल यानी मेटल को चाहिए होगा एसो फोर के साथ में बैठना मेटल को चाहिए होगा एसो फोर के साथ में बैठना मेटल को चाहिए होगा एसओ फोर के साथ में बैठना तो यहाँ पर आयरन बोल रहा है मैग्नीशियम को भाई मैं भी तो मेटल हूं मेरे को बैठ जान दे आयरन बोल रहा है जिंक को भाई मैं भी तो मेटल हूं मेरे को बैठ जान दे तो कौन सा काम हो पाएगा देखो दोस्तों कॉपर जो है ना वो बहुत कम रिएक्टिव है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये बैठा कॉपर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आप लोगों का आयरन तो कॉपर को क्या ये हटा पाएगा क्या बिल्कुल हटा पाएगा तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या मैग्नीशियम को हटा पाएगा क्या आयरन सर आयरन ये रहा मैग्नीशियम तो इससे भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हटा पाएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बताइए आंसर क्या होगा क्या होगा बताओ डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो कि उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है दोस्तों कॉर्क सेल कौन सी होती है आपने पढ़ा होगा जो पेड़ होता है ना इसकी जो बार्क होती है ना छाल इसमें आप लोगों का एक पार्ट है जिसे कॉर्क बोलते हैं

है ना उनमें सुबेरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है दैट मेक्स देयर इम्परवि टू गैस एंड वॉटर मतलब फिर यहां से आपका गैस और वॉटर नहीं हो सकता आप लोगों का ठीक है तो सुबेरिन नाम का एक आपका पदार्थ पाया जाता है किसमें कॉर्क सेल में है ना आंसर दे रहे हो क्यूटिन अरे यार क्यूटिन डेजर्ट प्लांट में आप लोगों को मिलेगा वो अलग पार्ट है ठीक है चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताओ बताइए बताओ दिए गए सर्किट में सेल के माध्यम से बहने वाली धारा बताइए बताइए मतलब टोटल कितनी करंट निकलेगी फॉर्मूला लगाना है वी बराबर आई आर कितने वोल्ट की बैटरी है दस वोल्ट की बैटरी है इससे कितने करंट निकलेगी वो आप लोगों को निकालना है आपको ईजी है।, है तो पेरल में जब होता है लिया, आपने छह इधर आया एक इधर आया दो दो प्लस एक तीन तीन बटे यानी एक बट्टे दो वन अपॉन आर बराबर वन बाय टू तो आर एक्वेन्ट टू तो इन दोनों का एक प्रतिरोध बना दिया आपने दो इसको हटाओ इसको हटाओ अब ये आठ और दो दो किस में सीरीज में श्रेणी में श्रेणी में कैसे निकालते हो सिंपली ऐड कर दो आठ प्लस दो दस तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया या इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे का कितना दस ओम तो करंट की वैल्यू जाएगी दस बट्टे दस एक ऑप्शन नंबर डी आ गई बात समझ में आई या नहीं आई आ गई शाम को चार बजे मिल रहे हो एनसीआरटी से कितना आता है क्वेश्चन कितना परसेंट आता है सब कुछ डिस्कस करेंगे शाम को चार बजे जुड़ जाना ठीक है और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए सर बीस में से इतने सही हुए कोई बात नहीं पांच भी सही हुए दो भी सही हुए एक भी सही हुए कोई बात नहीं हम लोगों को चीजें सीखना है है ना यहाँ पर हम लोगों को मार्क्स नहीं लेके आना मार्क्स हम लोग मेन में, में उसमें लेके आएंगे मेन एग्जाम में, में. यहाँ पर हम लोगों को सीखना है अपनी गलतियां है जो चीज बोल रही है उसको वापस रिवाइज कर रहे हैं नए कॉन्सेप्ट आपको सीखना है टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने समय में होना चाहिए ओके चलिए तो आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं रेलवे आधार बैच दोस्तों जुड़िए और अपनी तैयारी को लगाइए चार चांद चार चांद आप लोग लगाइए बेस्ट

पहली बात तो कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर लो एक बार पढ़ना है बार बार किसी को भी पढ़ने की जरूरत वो, वो समय नहीं है आपका हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट में आपका कराऊंगा डेली लाइव क्लास है मिस कर देते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपका एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट कवर है हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक साल की वैलिडिटी है साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी चैप्टर वाइज ठीक है पीडीएफ आपको कलर्ड पीडीएफ भी और हैंड रिटन नोट्स वाली पीडीएफ भी है प्ले स्टोर पर जाइए साइंस मैग्नेटिक इंस्टॉल करिए कोर्स में जाओगे तो रेलवे आधार से जुड़ो सब मिल जाएगा यहाँ पर और जनरल साइंस का चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा ठीक है तो इसमें जाके जब आप लोग बाय ज्वाइन करोगे ना तो ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का मोबाइल नंबर डाल देना तो मोबाइल नंबर जैसे डालोगे आपके पास में लिंक आ जाएगा पेमेंट आप लोग कर दीजिएगा बाय कर लीजिएगा आके देखोगे आपकी ऐप चल रही होगी थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय अपना आप लोग ध्यान रखिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाय